हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जनरल साइंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, विशेषकर रेलवे एग्ज़ाम के लिए, ग्रुप डी एएलपी एग्ज़ाम, टेक्नीशियन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो मैं 40 क्वेश्चन बताऊँगा, टोटल 40 क्वेश्चन रहेंगे, ये क्वेश्चन आंसर टाइप हैं। और ये जो क्वेश्चन है, ये पिछले कई वर्षों के एग्ज़ाम जैसे UPPCS, SSC, बैंक, रेलवे के एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हो चुके, लगभग 10 से 15 बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। इसलिए लगभग इस टॉपिक से दोस्तों हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन श्योर समझिए, 100% श्योर समझिए। आप इस वीडियो की स्किप मत करिएगा, 10 मिनट लगभग 12-13 मिनट की वीडियो में आपके लगभग 4 से 5 मार्क्स श्योर हो जाएंगे। जनरल साइंस का एक ऐसा टॉपिक है जो बिल्कुल पूछा जाएगा, आप इसको अंत तक देखिए, आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लें, रेड कलर की बटन दिख रही होगी साथ में बगल में जो बेल आइकन है, घंटी, उसको भी ऑन कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो यदि आप रेलवे के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम, SSC के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ, आपके जो है तो मार्क्स श्योर हो जाएंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए प्रारंभ करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक थे, वो थे एस चंद्रशेखर। तो इसका राइट आंसर है एस चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, एस चंद्रशेखर जी ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जो है किसने की थी आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों वो है सी चैडविक ने, ठीक है, चैडविक जी ने जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। अगला प्रश्न, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार जो किसने किया था, ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो इसका राइट आंसर है वो है गैलीलियो, दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रडार के आविष्कारक कौन थे? रडार के आविष्कारक कौन सर दोस्तों, वो है टेलर एवं यंग, टेलर एवं यंग जो तो रडार का आविष्कार किया था इन्होंने। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों वो SSC एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन थे? गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन थे? इसका उत्तर है न्यूटन, ठीक है, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक जो थे न्यूटन थे। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने खोज की थी, किसकी खोज की थी इन्होंने? इसका उत्तर है दोस्तों वो है डायनामाइट की, ठीक है, डायनामाइट की। अब काफ़ी लोग कमेंट करते हैं सर इजी क्वेश्चन रहता है, हाई लेवल का नहीं रहता, तो मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है जनरल साइंस के, यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, मतलब ये जो क्वेश्चन है कई एग्जाम में पूछे गए, इसलिए रेलवे एग्जाम में जरूर पूछेगा। इसलिए आप ये सरल क्वेश्चन समझ के इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, अंत तक देखिएगा, जो है तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये। तो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, किसकी खोज की थी इन्होंने? डायनामाइट की। 7वें नंबर क्वेश्चन है, तड़ित चालक के आविष्कारक कौन है? तो तड़ित चालक के आविष्कारक है दोस्तों वो हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अभी देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है RRB चंडीगढ़ में 2003 में पूछा गया, फिर उसके बाद 2004 में, इसलिए क्वेश्चन ये अभी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना तड़ित चालक के आविष्कारक बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? उत्तर है JL Baird ने, ठीक है, JL Baird ने जो तो टेलीविज़न का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन, राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? राइट ब्रदर्स जो किसका आविष्कार किए थे, आप सबको बता दूं कि विमान का आविष्कार इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे का खोज किसने की थी? एक्सरे का आविष्कारक कौन थे? उत्तर है दोस्तों इसका रोंटजन, एक्सरे का आविष्कारक रोंटजन थे। 11वें नंबर क्वेश्चन दोस्तों, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की? लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की? उत्तर है दोस्तों आर्किमिडीज ने, ठीक है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने की थी। अगला क्वेश्चन है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन सामने है, तो टेलीस्कोप की खोज दोस्तों की थी गैलीलियो ने, ठीक है, गैलीलियो ने जो तो टेलीस्कोप की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, इसी सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने की थी? हवाई जहाज़ की आविष्कार किसने किया था? उत्तर है राइट ब्रदर्स ने, ठीक है, राइट ब्रदर्स ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 14th नंबर का, गैस इंजन की खोज किसने की? गैस इंजन का आविष्कार किसने किया? उत्तर है डैमलर ने, ठीक है, डैमलर ने। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम का विकास किसने किया था? परमाणु बम का विकास किसने किया था? उत्तर है J. Robert Oppenheimer, ठीक है, J. Robert Oppenheimer ने परमाणु बम का विकास किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? उत्तर है वॉन ब्रॉन ने, ठीक है, कौन? वॉन ब्रॉन ने प्रक्षेपास्त्र का विकास किया था। 17वें नंबर क्वेश्चन दोस्तों, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, किसने विकसित किया था? उत्तर हो जाएगा एडवर्ड टेलर ने, ठीक है, एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार विकसित किया था। अगला क्वेश्चन, लेजर के आविष्कारक किसने किया था? लेजर का आविष्कार किसने किया था? उत्तर है दोस्तों
इसका टीएच मेमन ने, ठीक है, लेजर का आविष्कार किसने किया था, टीएच मेमन। 19वें नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइल निम्नलिखित में से किसने बनाई थी, बैलिस्टिक मिसाइल जो है तो किसने बनाई थी बैलिस्टिक मिसाइल, उत्तर है दोस्तों वार्नर वॉन ब्राउन ने, ठीक है, वार्नर वॉन ब्राउन ने जो तो बैलिस्टिक मिसाइल बनाई थी। 20वें नंबर का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, राइट आंसर है नोल और रुस्का, कौन, नोल और रुस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, गलत संयोजन को चिन्हित कीजिए, इनमें से जो है तो गलत है उसको आपको बताना है, गलत वाला ऑप्शन है वो है बी नंबर, जे पॉरिकिंसन ने पेंसिलिन का आविष्कार नहीं किया था, बाकी जितने तीनों ऑप्शन हैं वो मैच हैं, जे एल वेड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था, जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था और टेलीफोन का आविष्कार ए जी बेल ने किया था, ठीक है, ए जी बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति कौन है, कंप्यूटर का फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, इसका आंसर दोस्तों 22 का वो है ए बैबेज, चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, पॉजिट्रॉन की खोज जो है तो किसने की थी बताना है, इसका राइट आंसर दोस्तों 23 का वो है डी एंडरसन ने, ठीक है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, एंडरसन ने। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज जो है तो किसके द्वारा की गई थी, इसका राइट आंसर दोस्तों 24 का वो है ए एस चंद्रशेखर ने, ठीक है, एस चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था, तो इसका उत्तर है दोस्तों वो है ओरेस्टेड द्वारा, ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम ओरेस्टेड द्वारा अवलोकित किया गया था। चलिए 26वें नंबर का प्रश्न है, माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है, माइक्रोफोन का आविष्कार जो है किसे माना जाता है, तो इसका आंसर है ग्राहम बेल को, ठीक है, ग्राहम बेल को। चलिए 27वें नंबर क्वेश्चन है, स्कूटर के आविष्कारक कौन है, स्कूटर के आविष्कारक कौन है, इसका आंसर दोस्तों वो है ब्रॉडशाह, ब्रॉडशाह जो स्कूटर के आविष्कारक हैं। 28वें नंबर क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन है, नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन है, उत्तर है एनरिको फर्मी, ठीक है, एनरिको फर्मी को नाभिकीय रिएक्टर का खोजकर्ता माना जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, वायरलेस का आविष्कार किसने किया, वायरलेस का आविष्कार जो है तो किसने किया, उत्तर है मार्कोनी ने, ठीक है, मार्कोनी ने जो तो वायरलेस का आविष्कार किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, उत्तर है थॉमसन ने, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे, उत्तर है वाटरमैन को फाउंटेन पेन का आविष्कारक माना जाता है। 32वें नंबर का प्रश्न है, विल्हेम रॉन्टजेन ने आविष्कार किसने किया था, विल्हेम रॉन्टजेन ने जो है दोस्तों वो किया था एक्सरे मशीन का आविष्कार, ठीक है, एक्सरे मशीन का आविष्कार किसने किया था, विल्हेम रॉन्टजेन ने। टाइपराइटर का आविष्कारक कौन है, टाइपराइटर का आविष्कारक कौन है, उत्तर है शोल्स, ठीक है, टाइपराइटर का आविष्कारक शोल्स हैं। नेक्स्ट है, पाइरोमीटर निम्नांकित में नापने के लिए प्रयोग लाया जाता है, पाइरोमीटर निम्नांकित के नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, उत्तर है उच्च तापमान, ठीक है, उच्च तापमान को। अगला क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, उत्तर 235 का वो है डी सोनार, ठीक है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, सोनार का। अगला क्वेश्चन 36 नंबर का, कौन सा सुमेलित नहीं, इनमें से कौन सा जो है मेल सुमेलित नहीं है, उत्तर है दोस्तों इसका डी नंबर, ये सुमेलित नहीं है, बाकी जो मैनोमीटर उसे दाब नापा जाता है, कार्ब्यूटर दहन इंजन, कार्डियोग्राफ से हृदय गति, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, ये बताना है, तो 37 का जो है दोस्तों राइट आंसर है वो सी, ये जो है तो सुमेलित नहीं, बाकी सब सुमेलित हैं। देखिए, एनेमोमीटर से वायु की चाल, अमीटर से विद्युत धारा और पाइरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है। 38वें नंबर का प्रश्न दोस्तों, सापेक्ष आर्द्रता, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है, इसका आंसर दोस्तों वो है 38 का बी हाइग्रोमीटर, ठीक है, सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट है उसका कार्य क्या होता है, उसका आंसर है समान तापमान बनाए रखना, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में समान तापमान बनाए रखने का कार्य थर्मोस्टेट करता है। इनमें से सुमेलित करना है, सुमेलित करना है आपको 40 नंबर में, तो इसका सुमेलित का जो आंसर है वो है, देखिए, भूकंप से जो है तो सिस्मोग्राफ, ऊँचाई से अल्टीमीटर, विद्युत धारा से
अमीटर और प्रतिरोध ओम, ठीक है, ये सुमेली थे। भूकंप सिस्मोग्राफ से नापा जाता है। ऊंचाई अल्टीमीटर, विद्युत धारा अमीटर, प्रतिरोध ओम, ठीक है। तो ये थे 40 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण जो एग्जाम के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण, विशेषकर रेलवे SSC एग्जाम से। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही यहाँ पर कुछ और वीडियो प्ले होगी रेलवे एग्जाम से रिलेटेड, आप उसको भी देख सकते हैं। मिलते हैं कल की वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट। जय हिंद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।